सस्पेंस कह सकते हैं इसको आप। आपके कैरेक्टर के बारे में बताएं, आपके कैरेक्टर के बारे में काफी तारीफ हो रही है सोशल मीडिया में, जब से ट्रेलर लॉन्च हुआ है तो आपके कारण हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया लाइक करने के लिए, बस यही तो चाहिए हमें, एक एक्टर को चाहिए कि आपका सराहना चाहिए और मीडिया का सपोर्ट चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा कैरेक्टर ये है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, कॉप हूँ इसके अंदर में, और शॉर्ट फॉर्म में यही बोल सकता हूँ कि मैं ही इसमें पॉजिटिव प्ले कर रहा हूँ और लास्ट में पता चलेगा कि मैं इसमें नेगेटिव हूँ, तो बस शॉर्ट। स्ट्रॉन्ग कॉप किस तरह का कॉप है ये समाज को चेंज करने वाला कॉप है या बिगड़ेला कॉप है, किस तरह का? जी हाँ, ये तो बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए, ड्यूटी के हद तक तो मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्ट्रिक्ट वाला कॉप हूँ और समाज को सुधारने वाला। ऑब्वियसली इसमें हमारे यूसुफ भाई ने बड़े अच्छे से दर्शाया है कि ड्रग्स के बारे में, तो हम ड्रग्स के डीलर को और गैंग को किस तरह से क्रैक करते हैं, इस तरह का ये है। तो कॉप जो है बड़ा ही स्ट्रिक्ट है अपने काम में, बट कुछ प्राइवेट मामले ऐसे हो जाते हैं कि वहाँ पर जाकर समझ रहे हैं आप कि नेगेटिव होना पड़ता है। आप रोमांस भी कर रहे हैं, शर्टलेस भी है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, अच्छा लगता है रोमांस को करना और बहुत अच्छा होता है कि जब आप जिसके साथ आप रोमांस करते हैं, आपकी जो को एक्ट्रेस होती है वो बहुत ही कंफर्टेबल होना बहुत बड़ी बात होती है, कि एक दूसरे से दोनों भी कंफर्टेबल जब होते हैं तभी कोई भी सीन अच्छी तरह से निकलता है, चाहे कोई भी सीन हो वो। तो अच्छा तो लगा रोमांस करके, और शर्टलेस तो यही कहूँगा कि सीन की डिमांड थी इसलिए हमने शर्टलेस। सलमान सर को आप फॉलो करते हैं? फॉलो तो नहीं करता हूँ बट लाइक तो बहुत करता हूँ, फॉलो नहीं करता क्योंकि अगर देखिए मैं भी इसी फील्ड में हूँ और फॉलो अगर उनको करूँगा तो फिर अपनी छाप कैसे बनाऊँगा, है कि नहीं। फिटनेस की बात करें तो फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? तो देखिए मेरे लिए बोलकर नहीं है, फिटनेस तो हर एक इंसान के लिए आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, छोटे बच्चे से लेकर हो या फिर एक 80 साल के ज़ईफ़ के लिए हो, तो फिटनेस मेरे लिए बहुत मायने करता है और मैं बहुत ही बड़ा फिटनेस फ्रीक हूँ और फिटनेस मुझे बहुत पसंद है। मैं जंक फूड्स नहीं खाता ज़्यादा क्या मतलब खाता ही नहीं हूँ, और फिट रहना अच्छा है, एक्सरसाइज करता हूँ, नशा एक ही है मेरा एक्सरसाइज का बस। फिल्म में इंस्पिरेशन कौन है आपके सबसे ज़्यादा, बॉलीवुड में अगर बात करें तो हु इज़ इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन देखिए, इंस्पिरेशन बॉलीवुड से ऐसा लेकर मैंने कोई इस फिल्म में ऐसा कुछ किया नहीं है कि फिल्म से किसी को लेकर इंस्पायर हो कि मैंने किया है, नहीं। मैं सिर्फ एक रियल लाइफ में इंस्पायर्ड हुआ हूँ तो वो है मेरे नाना जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्हीं को देखकर वो किस तरह स्ट्रगल किए, वो किस तरह से अपना नाम बनाए, वो बिजनेसमैन हुआ करते थे, तो जब वो अपने फील्ड में आगे निकल सकते हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी फील्ड में कुछ आगे करके दिखाऊं, तो वो एक ही मेरे बहुत स्ट्रांग इंस्पिरेशन है। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो इंस्पिरेशन नहीं कह सकता हूँ, मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है, शाहरुख भी बहुत पसंद है, सलमान भी पसंद है, आमिर भी पसंद है, वैसे देखा गया तो सभी एक्टर पसंद है मुझे जो अच्छा काम करते हैं। आपको आफ्टर द रिलीजिंग दिस ट्रेलर व्हाट कॉम्प्लीमेंट यू रिसीव फ्रॉम द इंडस्ट्री, योर फ्रेंड्स, एनी ऑफ द योर फैमिली? देखिए जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वहाँ पर क्रिटिसाइजिंग भी बहुत होती है, तो सुनना पड़ता है, और एक एक्टर के लिए बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि जब आपको क्रिटिसाइज़ किया जाए तब आपको एक मौका मिलता है कि आप कितना डेवलप और अपने आप को कितना निखार सकते हो, तो कॉम्प्लीमेंट तो मिलते ही हैं। देखो यार, अभी मुंह देखा कॉम्प्लीमेंट बहुत हो जाता है, असली कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो आपके बद पीछे कोई भी करे, तो दैट इज़ द ओरिजिनल कॉम्प्लीमेंट। फिल्म में राजा मुराद जी भी है, इज अ वेरी सीनियर एक्टर, व्हाट ही सेड, एनी गाइडेंस एडवाइस ही गिवन यू? वी आर लकी दैट राजा मुराद जी इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फिल्म, बट अनफॉर्चुनेटली बात नहीं हो पाई, शायद काफ़ी कुछ ब्लेसिंग करना चाहिए, रोमांस बायोपिक जिस तरह से आपको आप कर सकते हो, जो कैरेक्टर्स वो सब कैरेक्टर्स करने चाहिए, और आपको रोमांटिक बायोपिक ये सब तो चलते ही रहेगा, अभी ट्रेंड है बायोपिक का, अभी कुछ दिन चलेगा फिर उसके बाद में कुछ और ट्रेंड आएगा, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। जब तक मैं इस ट्रेंड में हूँ पता नहीं मेरे ट्रेंड में कौन सा ट्रेंड चल रहा होगा, कौन सा बायोपिक चल रहा है या फिर रोमांस या फिर एक्शन या कुछ भी हो, तो उस हिसाब से मैं हर तरह के रोल करना चाहूँगा। प्लानिंग फर्दर, एनी मूवी इज कमिंग? हाँ, मैं वन मोर मूवी इज कमिंग, नाम बताऊँगा नहीं अभी, नेक्स्ट मंथ वो भी रिलीज़ हो रही है इंशाल्लाह, और बस अभी एक प्रोजेक्ट की बात चल रही है, देखिए होपफुली अगर आप लोगों की दुआ रही तो वो भी प्रोजेक्ट
इंशाल्लाह हो जाएगा स्टार्ट. थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस. थैंक यू. थैंक यू. आप लोगों की दुआ चाहिए और कुछ नहीं, बस आप लोगों से.